आइए अगला सवाल अब हम लेते हैं। ये प्रश्न मुंबई से है, विक्रम साहब का है। इन्होंने होम लोन पर जानना चाहा और उसमें टैक्स रिबेट जो रहती है ATC 24B के तहत प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है लेकिन जानना चाहते हैं, इनफैक्ट क्योंकि ये अवेल तभी कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव कर रहे हैं। मुंबई से जो विक्रम साहब का सवाल है, ये स्क्रीन पर इनका हम एक बार सवाल लेते हैं, फिर इसको हम आगे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये डिटेल्स हैं कि जो स्पेसिफिकली विक्रम साहब ने मेल किए, इस समय लाइन पर भी मौजूद हैं। विक्रम साहब आप बताइए, ये आपको जो पोजीशन मिलना है ये कब एक्सपेक्टेड है? ये 2015 मार्च में एक्सपेक्टेड है। तो ये जो आपको इनफैक्ट इसका टैक्स फ्रंट पर जो रिबेट मिलेगी उसके बाद ही संभव है, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं इससे संदर्भ में? मैं वही जानना चाहता था कि अब फाइनेंशियल ईयर 13-14 में मुझे कोई टैक्स में इसमें रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बलवंत साहब इंटरेस्ट कंपोनेंट का ही, और वो भी पोजीशन के बाद, इनको आप कैसे बताते हैं वो कैसे वर्क करता है? देखिए सौरभ जी, विक्रम जी जो बता रहे हैं कि इनको जो प्रॉपर्टी जो बुक की हुई है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो 24B के जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के, उसके तहत जब तक प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको नहीं मिलता है तब तक आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो जिस साल में आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलेगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कोई भी दिन हो सकता है, भले आपको 31 मार्च को भी पोजेशन मिला तो उस साल से आपको जो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा आपने इसके जो पोजेशन मिलने के पहले के जो सालों में जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसका आपको 1/5 हिस्से में अगले 5 साल में डिडक्शन मिल जाएगा, पर जो ओवरऑल डिडक्शन है उसकी जो लिमिट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 1.5 लाख रुपया है, और अगर आप उसको किराए पे उठा रखा है तो जितना भी इंटरेस्ट जो उस करंट ईयर का इंटरेस्ट है प्लस 1/5 जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपकी EMI शुरू हो गई है तो जब तक कंस्ट्रक्शन पोजेशन नहीं मिलता है तब तक आपको वो डिडक्शन नहीं मिलता है, और इंटरेस्ट के जैसे आपको 1/5 जो डिडक्शन है रीपेमेंट का वो भी नहीं मिलता है। तो अगर आपने कुछ भी रीपेमेंट तक पोजेशन मिलने के पहले कर दिया है तो वो आपको डिडक्शन ATC का है, वो हमेशा के लिए आपके हाथ में से छूट जाएगा। जी, तो इस तरह से वर्क करते हैं दोनों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। जहां तक टैक्स फ्रंट की बात है, हम इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।